पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देख ले, उसके बाद आप अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये वीडियो मैंने बहुत मतलब 3 साल पहले की वीडियो है, ये मैंने पहले भी देखी थी और ये वीडियो तब की है जब उनके मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, यानी कि सपना के सास ससुर की एनिवर्सरी थी। उस समय सूरज जी भी जिंदा थे और राजवीर जी भी थे। तो सपना के ससुर ने उनको किस किया था जब सपना उनके पैर में पैर छू रही थी, ये किस कैसा था। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि 2-3 कमेंट ऐसे आए थे इस वीडियो के नीचे, बाद में जब सपना घर छोड़कर जा चुकी है और उन्होंने सूरज जी की क्लिप डाली थी, जो सूरज जी की रिकॉर्डिंग डाली थी सपना ने, उसके बाद किसी ने कमेंट किया था। तो वो एक कमेंट मैं आपको बताऊँगी वो कमेंट क्या था, वो आगे आप देख लेना। तो उस लड़की ने सपना से क्वेश्चन किया था, सपना जी मैंने आपको एक वीडियो देखा था बहुत पहले का, जिसमें शायद आपके घर में किसी का बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी थी और केक कट हो रहा था, उसमें आपके ससुर जी ने आपको बहुत वेडली किस किया था, मुझे वो बहुत अजीब लगा था, मैंने सोचा शायद मैं ही गलत एंगल से देख रही हूँ। यानी कि उसका कहना था ये सच में वेडली किस था। तो आपकी क्या राय है दोस्तों? एक्चुअली में ये वीडियो मैंने बहुत साल पहले देखा था और जब तक हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती तो हम मतलब सास ससुर, उस समय सपना का परिवार पूरा था और बहुत अच्छा हैप्पी परिवार कह सकते हैं आप था, और जब तक चीज़ें किसी को पता नहीं होती हैं तो इंसान के हमेशा 2 नज़रिए होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो उन्हीं चीज़ों को हम पॉजिटिव तरीके से देखना स्टार्ट करते हैं। और हम सब कहते थे कि सपना के सास ससुर जैसे सबको मिले क्योंकि वो इतने अच्छे से उनको रखते थे और इतना अच्छा उनके साथ बिहेव करते थे। वीडियो में हमें जो भी दिखता था हमें इतना अच्छा लगता था और हम सब कहते थे आपके सास ससुर अच्छे हैं तभी आप इस तरह से रह लेती हैं। लेकिन जैसे ही हमें बाद में पता चला सपना ने सब कुछ हकीकत बताना स्टार्ट की सोशल मीडिया पर, जैसे वो घर से निकली है, तो उसने कितना कुछ सहा है अपने सास ससुर को, अपने हस्बैंड से कितना कुछ उन्होंने सहा है, वो सब कुछ उन्होंने जब बताया और हमने अपनी आंखों से देखा तो एक ही मिनट्स में हम सब के जो व्यू होते हैं या थॉट्स होते हैं वो चेंज हो जाती है, थिंक होती है चेंज हो जाती है, हम उसे ही नेगेटिव तरीके से देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा ही इस लड़की के साथ हुआ होगा। तो इसने पहले मतलब सब कुछ अच्छा समझा होगा लेकिन जब उसको सब कुछ पता चला कि सच में इसके सास ससुर अच्छे नहीं थे, इसको ताना मारते थे, इनके मायके को लेकर बहुत ज़्यादा गलत गलत गालियाँ देते थे जिसकी वजह से सपना किसी को बताती नहीं थी और भी अंदर ही अंदर घुटती रहती थी, और उनके पति जो सूरज जी थे उनकी वीडियो जो कॉल रिकॉर्डिंग डाली थी उसको लेकर तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा था कि वो तो जानवरों की तरह से पीटता था, तो वो पति किस नाम का जो अपनी पत्नी को इस तरह से मारे। तो अब सब लोगों का यही कहना है कि सच में इनके ससुर की नज़र गलत थी सपना को कर, और वो जो तरीके से किस कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं था। जब सपना घूंघट निकाले हुई थी तो उसके ससुर ने उसका दुपट्टा थोड़ा हटा दिया और फिर किस कर रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं थी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो के जरिए ना तो मैं डिफेम करना चाहती हूँ सपना के ससुर सास को और ना ही सपना को किसी तरह का ब्लेम करना चाहती हूँ, कौन गलत था कौन सही हमें नहीं पता, उनके बीच में क्या चल रहा था, उनका रिश्ता बहुत ही प्योर लगता था जब हम उन्हें पहले देखते थे, बाप बेटी वाला रिश्ता लगता था। लेकिन हालांकि सपना उस समय पर घूंघट किए हुए थी, बाद में सपना राजीव जी की डेथ के बाद सपना ने घूंघट छोड़ दिया था, वो बेटों की तरह रहती थी क्योंकि वो हमेशा कहती थी राजीव और सूरज की जगह मैं हूँ, अब मैं ही इनका सब कुछ करने वाली हूँ। लेकिन हालात कुछ और ही हो गए और सपना उस घर में नहीं है, अपनी दोनों बेटियों के साथ वो किसी रेंट के मकान पर रह रही है। तो बस सब ज़्यादा से ज़्यादा सपना दी को सपोर्ट करना है और उनके सपोर्ट में वीडियो बनानी है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, किसी प्रकार का हेट ना फैलाएं ताकि वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो।